वेलकम टू बीटीएस न्यूज, मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। इसी हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब आकर विजिट कर रहे हैं और हमारे फिरोज खान साहब कंटेस्टेड एमपी नामपल्ली और हमारे चेवड़ला एमपी कंटेस्टेड एक्स एमपी कुंडा विश्वेश रेड्डी साहब, दीपा भास्कर रेड्डी साहब और हमारे कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर पूरे लोग थे यहाँ पर, और चल्ला नरसिम्हा रेड्डी हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट रंगारेड्डी, और आज आकर यहाँ पर विजिट करे हैं, कर आवाम से बात करे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुंडा विश्वेश रेड्डी साहब और हमारे दीगर लोग यहाँ पर आए थे। फिरोज खान साहब भी है, हमारे ईसा बाजब साहब भी मुसलसिल लगे हुए हैं यहाँ पर, मगर ये हुकूमत पे कान पे जूने रंग रही। केसीआर साहब तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, सुराना तेंगरा गोल्डन तेलंगाना, ये पीछे देखिए आप आधा घर डूबा हुआ है, ये है गोल्डन तेलंगाना। कभी आके विजिट नहीं करे, 10,000 रुपये आप आवाम को दिए हैं, किसको दिए? अपने जान पहचान के लोगों को 3,000 तो 2,000 रुपये। यहाँ जो मुतासिर लोग है उनको नहीं पहुँचा, मुतासिर लोगों को शादी खानों में कई लोग आज भी मुतासिर होकर बैठे हुए। और यहाँ जो तंजीम है, जो भी लोग हैं हमारे ईसा भाजपा साहब और यहाँ के हमारे जिम्मेदार जो कांग्रेस पार्टी के कापरेट कर रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाल्लाह हम आखिरी सांस तक इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, और मुसलसिल जो आवाम के दरमियान में जितने भी लोग हमारे, मैं उनके लिए सेहत के लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर मतीन शरीफ साहब भी, एक डेड बॉडी निकली थी यहाँ पर, आए थे, उन्होंने भी दौरा करे हैं। और माशाल्लाह पानी जब निकलेगा तो और कितने डेड बॉडी निकलेंगे क्या है अभी पता नहीं है। यहाँ के जो जिम्मेदार है सविता इंदिरा रेड्डी, उन्होंने आकर इससे पहले भी होम मिनिस्टर थे, सपोर्ट करो बोल के ओडा लिए, ले लेके माइनॉरिटी के कुछ नहीं करे, एक रुपया काम नहीं करे। बाद में आप कांग्रेस में थे, माशाल्लाह कामा करे, अब तो आप तवज्जो नहीं ले रहे ना, आ रही आए आके पानी में उतर के चले आ रहे। रंजीत रेड्डी साहब भी पानी में उतरे आके, एमपी साहब उन्होंने भी चले गए, क्योंकि आपके पास बहुत है, बहुत कमाई से है, तो लिहाजा ये टाइम आवाम के लिए निकालो, आप निकाल कर करो। आप हुकूमत तो क्या कर रही है, हुकूमत तो फेल हो गई, लॉकडाउन में भी फेल हो गई, अभी भी फेल हो गई। और हमारे केटीआर साहब के बेटे वो रहे हैं कि ब्रिज बना रहे हैं वहाँ पे, ये बना रहे पैदल चलने के वास्ते, पहले यहाँ पे आके विजिट करो, आवाम की खिदमत करो, ये काम करो। और आने वाले इलेक्शन में जो ग्रेटर हैदराबाद में इलेक्शन है, आवाम आपको अच्छा सबक सिखाएंगी और इंशाल्लाह आवाम खुद इसका फैसला करेंगी, अपोजिशन बोल के नहीं है। और माशाल्लाह कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो आवाम के दरमियान में रहती है, 198 इंदिरा स्कीम जितने भी कई स्कीम है कांग्रेस पार्टीज करी है, और आवाम मुसलमानों की माइनॉरिटी के वास्ते कांग्रेस अच्छी पार्टी है। लिहाजा मैं आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग होश में आइए, ये मुनाकिफ लोगों के बातों में मत आइए, आप आकर होश में आकर अपना फैसला करिए, अच्छे लीडर को जिताइए। अब हमारे फिरोज खान साहब है, उन्होंने नामपल्ली में रहते वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या है? तो लीडर तो ऐसा होना चाहिए, और हम लोग भी ऐसी है, जहाँ पे भी बोलेंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर रहेंगे। हमारे ईसा बाजब साहब भी बिहार जाते हैं, बहुत सारे आवाज़ उठाते हक़ के वास्ते, उनके लिए सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ मैं। और आज जितने भी हमारे पार्टी के लोग आए थे, अल्लाह उनको सेहत दे, और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक ये पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम जो है नहीं खो रहे वहाँ पर, इसलिए नहीं खो रहे क्योंकि वहाँ पर आपको मालूम है बोलना क्या है, पूरे लोग मिल के सब बेचे करे सो है, इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि वहाँ के लोगों को पानी चाहिएगा बोल के। थोड़ा पानी हमारी गड़बड़ी से थोड़ा पानी निकाले, वो वादी उमर और वहाँ पर बाबा नगर में घुस गया, वो लोगों को समझा लिए। अब आके ये वो कैंपा लगा रहे कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आवाम के जो मसाइल है वो पूरे करिए, यहाँ पर आ रहे ही नहीं, आ रहे खरीब में देख रहे चले आ रहे, ये पीछे देखो घर क्या आलम है यहाँ पर। तो मैं केसीआर साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये मसला हल नहीं होगा, जैसा कि हमारे फिरोज खान साहब बोले, इंशाल्लाह हम केसीआर के घर में घुस जाएंगे, उसके ऑफिस में जुगे जहाँ चाहे जाएंगे हम आवाम के वास्ते। अगर हमारे को जेल को भी जाना पड़ा, केसेस भी बुक हुए, परवाह नहीं। और जहाँ पे भी जा रहे हैं हमारे लोगों को रोक रहे हैं, कहीं को भोकलाट के शिकार बन रहे हैं आप, क्या ज़रूरत है आपको? डर रहे हैं क्यों कांग्रेस से? कांग्रेस से डर रहे हैं क्यों? इख्तदार तो आपके पास है ना। खैर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको अच्छा सबक सिखा देंगे, और जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को रोक रहे हैं या कुछ ऐसी हरकत करें, तो हम डरने घबराने वाला नहीं है, इससे हमारा और हौसला बुलंद होगा। मैं फिरोज खान के लिए दुआ करता हूँ, और हमारे कुंडा विश्वेश रेड्डी साहब, उत्तम रेड्डी साहब और हमारे दीपा भास्कर रेड्डी साहब, चल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब, मतीन शरीफ साहब, हमारे ईसा भाजपा साहब के लिए। और मैं इंशाल्लाह यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये पानी नहीं निकलेगा, तुम नहीं निकलेगा, तो हम
जो करना है हमारे सीनियर के साथ मिलकर इत्तेजाज करेंगे हम।